अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ANF के SI, ASI और कॉन्स्टेबल के मोस्ट रिपीटेड MCQs जो कि गुज़िश्ता पेपर में बार बार आए हैं और इनके फ्यूचर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपने इन MCQs को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना है, बल्कि इनके नोट्स बना के रख लें ताकि आपके काम आए या पेपर हो। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो एवरीडे साइंस और ANF एक्ट की होगी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं डालता हूँ इम्पोर्टेंट MCQs, तो वो आप ज़रूर कर लेना ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएँ। तो फर्स्ट MCQs है हमारे पास, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन एशिया, के जो कंट्री हैं एशिया में कुल कितनी कंट्रीज़ हैं। तो फर्स्ट MCQs है 48 कंट्रीज़, बी वाला MCQs है 50 कंट्रीज, सी वाला है जी 55 और 60। तो 48 कंट्रीज़ इन एशिया, कि एशिया में कुल 48 कंट्रीज़ हैं, 48 कंट्री। नेक्स्ट MCQs है द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इज़ ऑफ, कि जो पूरी दुनिया का पुराना नेशनल एंथम है वो कौन से मुल्क का है। तो फर्स्ट MCQs है हमारे पास डेनमार्क, सेकंड वाला है थाईलैंड और सी है नॉर्वे और डी है जापान। तो जापान का सबसे पुराना नेशनल एंथम है। नेक्स्ट MCQs है हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, के फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। फर्स्ट MCQs है चार्ल्स बबेज, नेक्स्ट MCQs है थॉमस कर्टर, कोनार्ड बिल गेट्स। तो चार्ल्स बबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। द ओनली विटामिन विच कैन नॉट स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, कि वो कौन सा एक विटामिन है जो कि इंसानी बॉडी में स्टोर नहीं होता। फर्स्ट MCQs है विटामिन सी, सेकंड वाला MCQs है विटामिन डी और सी वाला MCQs है विटामिन के और डी है नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट MCQs इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन सी इज़ द विटामिन दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। द बिगेस्ट बर्ड इज़, तो बिगेस्ट बर्ड कौन सा है, सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है। फर्स्ट MCQs है ईगल, बी है ओल और सी है कीवी और डी है ओस्ट्रिच। तो ओस्ट्रिच इज द बिगेस्ट बर्ड। नेक्स्ट MCQs है ग्रीन वेजिटेबल इज अ सोर्स ऑफ, कि जो ग्रीन वेजिटेबल है वो कौन सी चीज़ के सोर्स होते हैं। फर्स्ट MCQs है स्टार्च और बी वाला MCQs है विटामिन्स, सी वाला है फैट्स एंड ऑयल्स, डी है मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो जो ग्रीन वेजिटेबल होते हैं जिस तरह पालक बंद गोभी, तो ये तमाम वेजिटेबल्स हैं, ये मिनरल्स एंड विटामिन्स के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट MCQs है विच कंट्री इंट्रोड्यूस फर्स्ट पेपर करेंसी, वो कौन से मुल्क है जिसने पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस्ड करवाई, क्योंकि पहले सिक्के होते थे तो पेपर करेंसी किसने इंट्रोड्यूस्ड करवाई। तो फर्स्ट MCQs है USA, ग्रीस, चाइना, फ्रांस। तो चाइना ने सबसे पहले जो पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेक्स्ट MCQs है द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम, कि जो पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा अखबार किधर से शाया होते हैं, वो कौन सा मुल्क है जिधर सबसे ज़्यादा अखबार शाया होते हैं। फर्स्ट MCQs है अमेरिका, बी वाला है चाइना, सी वाला है रशिया, डी है जी इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अखबार जो पब्लिश होते हैं। नेक्स्ट MCQs है, तो अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइट ट्रेवल्स फ्राम सन टू अर्थ, कि जो लाइट है, सन लाइट है, वो सन से लेकर अर्थ तक का सफ़र कितने सेकंड में क्लियर करती है। तो फर्स्ट MCQs है 499, 699, 699 तो 499 सेकंड्स में जो सन लाइट है वो सन से अर्थ तक का सफ़र डन करती है। नेक्स्ट MCQs है हेपेटाइटिस इज़ अ वायरल डिजीज़ ऑफ, कि जो हेपेटाइटिस है वो वायरल डिजीज़ कौन सी ऑर्गन्स की है। फर्स्ट MCQs है लंग्स, बी है लीवर, सी है ब्रेन, डी है हार्ट। तो जो लीवर है, हेपेटाइटिस इज़ अ वायरल डिजीज़ ऑफ लीवर। नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ अर्थक्वेक्स, कि जो अर्थक्वेक्स जलजले आते हैं इसकी मेन वजह क्या होती है। फर्स्ट MCQs है वोल्केनिक एक्टिविटीज़, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट,
टेक्टोनिक डिसलोकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनमें ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, इनकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव आएगा कि इन तमाम चीज़ों की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डायबिटीज़ इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ, कि जो डायबिटीज़ है शुगर होती है वो कौन से ऑर्गन की होती है, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट होने की वजह से होती है। फर्स्ट एमसीक्यूज है लीवर, बी है पैंक्रियाज, सी है किडनी, डी लंग्स। तो पैंक्रियाज के अफेक्ट होने से, जो पैंक्रियाज एक जो शुगर का करता है जूस, डाइजेस्टिव जूस की तरह होता है, वो भी मैटर सा होता है, वो क्रिएट करता है। जब पैंक्रियाज अपना काम छोड़ दे तो डायबिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अलजब्रा वाज इंट्रोड्यूस बाय, कि जो अलजब्रा है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका फादर कौन था, उसका इन्वेंटर कौन था। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है ख्वारज्मी, बी है ज़िक्रिया राजी, जाबर बिन हयान खयाम। तो ख्वारज्मी ने अलजब्रा इन्वेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, कि इंडिया का पहला वायसराय कौन था। फर्स्ट एमसीक्यूज है लॉर्ड कैनिंग, बी वाला है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, नन ऑफ दीज। तो इंडिया का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है जिसका हतमी फैसला होता है, तो उसमें कितने जजेस हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है 17, नेक्स्ट है 18, 20 और 34। तो 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट आर्मी, कि वो कौन सी कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा आर्मी है। फर्स्ट है USA, नेक्स्ट है इंडिया, और नेक्स्ट चाइना, नेक्स्ट इंग्लैंड। तो चाइना की सबसे ज़्यादा आर्मी होती है। फर्स्ट एमसीक्यूज है विच इज़ नॉट बुक ऑफ इकबाल, कि इनमें से जो चार किताबें दी गई हैं इनमें से इकबाल की किताब कौन सी नहीं है। फर्स्ट एमसीक्यूज है बाले जबरील, तो ये भी अलामा इकबाल की है। बांगे दरा, तो ये भी अलामा इकबाल की है। नेक्स्ट है दस्ते सबा, तो ये अलामा इकबाल की किताब नहीं है। नेक्स्ट है सरारे खुदी, तो ये भी अलामा इकबाल की किताब है। तो उन्होंने पूछा है विच इज़ नॉट बुक ऑफ इकबाल, तो दस्ते सबा इज़ नॉट बुक ऑफ इकबाल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर, कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है वो कौन सा है। फर्स्ट एमसीक्यूज है बिट, बी वाला है टेराबाइट, नेक्स्ट है किलो बिट और बाइट। तो बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फर्स्ट सेटेलाइट वाज लॉन्च बाय, जो सबसे पहला सेटेलाइट लॉन्च किया था तो वो कौन से मुल्क ने किया था। फर्स्ट एमसीक्यूज है USSR, नेक्स्ट है फ्रांस, नेक्स्ट है जापान, नेक्स्ट है UK। तो USSR ने पहला जो सेटेलाइट लॉन्च किया था। तो USSR का मीनिंग एब्रीवेशन क्या होता है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है ये लफ्ज, बी नहीं लिखा, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो आज की वीडियो में बस इतने ही एमसीक्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।